नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तर आप देख रहे डायलॉग पे। इन्फिनिक्स इंडिया में लॉन्च करने वाले उनका अपकमिंग दो नया स्मार्टफोन विच इज इन्फिनिक्स नोट 11 सीरीज। यहां पर टोटल दो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, इन्फिनिक्स नोट 11 एंड इन्फिनिक्स नोट 11 एस। एंड वहां पर भी आपको एक स्पेशल एडिशन देखने को मिलेगा। कुछ दिन पहले ये एक लॉन्च इवेंट के माध्यम से हम लोगों को बताया गया था और आज ऑफिशियली उनका जो एक पेज है वो फ्लिपकार्ट में लाइव हो गया है। एंड ये जो लॉन्च डेट है वो है 13th ऑफ दिस मंथ, जी हाँ 13 तारीख को। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फिनिक्स हॉट 11 के बारे में। सबसे पहले मैं बताऊंगा इन्फिनिक्स हॉट 11 का, इसका बार का जो डिजाइन है वो काफी बढ़िया किया गया है। सामने एंड पीछे से टोटली फ्लैट है, साइड का जो एजेस है वो भी आपको फ्लैट देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन 12 सीरीज का फोन या फिर रेनो 6 सीरीज का जो फोन था उस टाइप का ये देखने में, लेकिन ये काफी स्लिम है। जी हाँ काफी स्लिम है, देखने में भी काफी बढ़िया लगता है। ओवरऑल इस बार डिजाइन मुझे काफी बढ़िया लगा इन्फिनिक्स नोट 11 का। उसके साथ साथ यहां पर इस बार फुल HD एमोलेड डिस्प्ले दिया गया। जी हाँ ये होने वाला है वन ऑफ द चीपेस्ट स्मार्टफोन विद फुल HD एमोलेड डिस्प्ले। जी हाँ काफी एक बड़ा यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलेगा एंड एमोलेड डिस्प्ले है, इसका मतलब ये है कि कलर रिप्रोडक्शन भी काफी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो एमोलेड डिस्प्ले काफी सस्ते में आएगा, प्राइस डेफिनेटली आपको बताऊंगा, थोड़ा सबर कर लीजिए। अगर बाकी देखा जाए प्रोसेसर, यहाँ पर मीडियाटेक के हीलियो G88 का प्रोसेसर दिया गया, लेकिन मीडियाटेक के हीलियो G88 जो प्रोसेसर है वो आता है गेमिंग इंजन 2.0 के साथ, जहां पर आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिलने वाला है इस बार। डिवाइस तो देखने में अच्छा है ही, उसके साथ साथ इसका बैटरी एंड चार्जिंग भी काफी बढ़िया है। 5000mAh का बैटरी दिया गया है एंड उसके साथ साथ 33W का फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी इन्फिनिक्स ने इस बार इस्तेमाल किया है एंड आपको आउट ऑफ द बॉक्स फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा। जी हाँ मतलब आउट ऑफ द फास्ट चार्जर आपको मिल जाएगा बॉक्स के अंदर, विच इज 33W फास्ट चार्जर। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इस बार इन्फिनिक्स का जो यूजर इंटरफेस है वो कंप्लीटली चेंज होने वाला है। आपको काफी सॉलिड यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा, मतलब XOS इससे पहले हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे क्या 7.2 या फिर 7.6 आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस बार XOS का एकदम लेटेस्ट वर्जन देखने को मिलेगा। UI नोटिफिकेशन और भी बहुत सारा कुछ चेंजेस आपको मिलेगा इस बार इन्फिनिक्स नोट 11 सीरीज में। अभी प्राइस अगर देखा जाए, जितना मेरे पास अभी एक लीक इंफॉर्मेशन आया है, इसका प्राइस होने वाला है लगभग 12,500 रुपए के आसपास, मतलब 12,499 रुपए के आसपास। मतलब ये मोटो का जो लेटेस्ट लॉन्च है एक्चुअली उससे भी कम प्राइस है, क्योंकि वो 13 में लॉन्च हुआ था, यहां पर आपको मिल जाएगा वो लगभग 12,500 में। एंड विच मेक्स दिस डिवाइस वन ऑफ द चीपेस्ट एमोलेड डिस्प्ले डिवाइस एक्चुअली। और कैमरा का देखा जाए, यहां पर भी आपको हायर रेजोल्यूशन कैमरा मिलेगा अप टू 50 मेगापिक्सल, तो विच इज ऑल्सो गोना बी प्रिटी गुड। बात करते इन्फिनिक्स का और एक डिवाइस जो इसके साथ लॉन्च होने वाला है, विच इज इन्फिनिक्स नोट 11 एस। एंड यहां पर एक वेरिएंट नहीं, दो वेरिएंट लॉन्च होने वाला है, एक नॉर्मल वेरिएंट और एक फ्री फायर स्पेशल वेरिएंट, जिसका बॉक्स भी अलग होगा। एंड यहां पर आपको 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। बाकी अगर डिजाइन देखा जाए, इसका भी डिजाइन काफी बढ़िया, हालांकि यहां पर फ्लैट डिजाइन नहीं, यहां पर आपको कर्व डिजाइन देखने को मिलेगा एंड आपको दो तीन अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिलेगा, दैट डेफिनेटली यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। एंड यहां पर आपको एक स्पेशल फ्री फायर एडिशन में स्पेशल केस भी दिया जाएगा। और एक चीज बताया गया इन्फिनिक्स की तरफ से, हर एक स्मार्टफोन के साथ आपको फ्री फायर का कूपन मिलेगा, जहां पर कुछ ना कुछ एश्योर्ड गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा, तो दैट्स अ प्रीटी प्लस पॉइंट। यहां पर अगर देखा जाए, मीडियाटेक के हीलियो G96 का प्रोसेसर दिया गया, विच इज द लेटेस्ट मीडियाटेक गेमिंग प्रोसेसर अगर बजट कैटेगरी देखा जाए। एंड यहां पर भी आपको गेमिंग इंजन 2.0 का इस्तेमाल किया गया, विच इज गोना बी प्रीटी गुड। गेमिंग के मामले में इस डिवाइस में सब चीज का ख्याल रखा गया। फॉर एन एग्जाम्पल ए फुल HD प्रीटी बिग डिस्प्ले विद 120Hz रिफ्रेश रेट एंड उसके साथ साथ यहां पर आपको टच सैंपलिंग रेट भी काफी ज्यादा मिलेगा, विच इज अप्रोक्सिमेटली 180Hz। तो ओवरऑल डिस्प्ले काफी स्मूथ एंड रिस्पॉन्सिव है, नियरली 7-inch डिस्प्ले, मतलब काफी बड़ा एक डिस्प्ले है एंड उसकी वजह से स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी काफी आपको ज्यादा मिलेगा। 120Hz मतलब आप सोच ही सकते हो एकदम बटरी स्मूथ परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। बाकी अगर देखा जाए, यहां पर भी 33W का फास्ट चार्जिंग एंड यहां पर भी आपको टाइप सी पोर्ट के साथ साथ फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर ही मिलेगा। इसका प्राइस मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा होगा इन्फिनिक्स नोट 11 से, विच विल बी अराउंड आई थिंक 14,000 to 15,000 के आसपास ये हो सकता है। डोंट नो द एग्जैक्ट प्राइसिंग क्योंकि अभी तक ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आया, बट जब भी पता होगा डेफिनेटली आप लोगों को मैं बताऊंगा। फॉर द टाइमिंग ये था एकदम फर्स्ट लुक ऑफ इन्फिनिक्स नोट सीरीज, सबसे पहले आप लोगों के लिए एकदम लाइव। एंड उसके साथ साथ जो जो कुछ स्पेसिफिकेशन मैंने बताया वो तो रहेगा, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको इस बार देखने को मिलेगा इन्फिनिक्स नोट 11 सीरीज में। तो जस्ट 13 तारीख का इंतजार कीजिए, मेरे चैनल पर डेफिनेटली उसका अनबॉक्सिंग आएगा, अगर उससे पहले सब डिवाइस आ जाता है, क्योंकि आजकल ट्रांसपोर्ट पर काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा है और मैं भी थोड़ा बहुत वेकेशन
वेकेशन पे जा रहा हूँ, तो उससे पहले अगर आ जाए डेफिनेटली मैं वीडियो बना के उसके बाद जाऊंगा, नहीं तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इन्फिनिक्स रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए डेफिनेटली आप बने रहिए, सभी लेटेस्ट वीडियोज अनबॉक्सिंग एंड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक शेयर एंड डैडॉग को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी लेटेस्ट वीडियोज देखने के लिए। तो इस वीडियो में अभी तक लेते हैं, दिस इज योर होस्ट मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम डैडॉग, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।